हाय, आज हम करेंगे ईडियम्स ऑन स्पोर्ट्स। पिछली बार हमने ईडियम ऑन सीरीज की थी, ईडियम ऑन कलर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू, इफ़ यू वांट टू लर्न सम ईडियम्स और फ्रेजेस, अगर मैं आपको रेंडमली बताती जाऊंगी, आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न। सो इट्स बेटर आप इसको क्लासीफाई करके, लाइक ईडियम्स ऑन स्पोर्ट्स, ईडियम ऑन कलर्स, ईडियम ऑन एनिमल्स लाइक दैट, आप इस तरह तरीके से अगर आप करोगे इसको लर्न, तो आई एम श्योर जब आपको इनकी यूसेज आपको यूज़ करना होगा, ऑफकोर्स आपके माइंड में आपको ज़रूर क्लिक करेगा। दैट वुड बी अ क्लिक बेट फॉर यू। हाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट इज एन ईडियम। सी, एन ईडियम इज़ अ फ्रेज और सेइंग दैट इज कॉमनली यूज इन एवरीडे इंग्लिश टू एक्सप्रेस सर्टेन आइडियाज और ओपिनियंस। See, understanding English idiom is important because they require deeper familiarity of the English language to comprehend what someone means when they use them in the conversation. कोई अगर किसी को use करता है idiom को, तो आपको पता होना चाहिए, because native speakers, अगर good English speakers अगर आप जो होते हैं वो use करते हैं, and if you want to be a very good English speaker, then you should have some good knowledge of the common English idioms. So therefore, let's see some commonly used idioms related to on sports in English with their meanings and usage in our daily lives. First idiom I want to take, that is the hat trick. The term mostly used in games like football, cricket, hockey or rugby, and it is used when someone achieves थ्री सक्सेसेस वन आफ्टर अनदर, मतलब तीन अगर हमें अचीवमेंट्स एक के बाद एक मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं हैट्रिक। तो जो हैट्रिक, सपोज अगर कोई अगर हमारे पीएम भी हो गए थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, या थ्री सेशंस, जैसे फाइव 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 के सेशंस के लिए अगर उन्होंने स्टे कर लिया उसमें अपने गवर्नमेंट में, तो उनको भी हम बोलेंगे कि हैट्रिक उन्होंने मतलब अचीव किया। These could be three wickets, three goals, etc. Kuch bhi three. Let's see one example. If we win this election, it will be hat-trick for him. That means three consecutive terms in office. I think aapko ye samajh mein aa gaya hoga. Next idiom that I want to take is the ball in your court. Yeah, ball in your court bahut hi common hai, acha idiom hai, that you should have some knowledge on this. This phrase is used to show that the decision has been taken by you. ठीक है, the word your in this idiom can be replaced by his, her, my, etc. आप किसी से भी कर सकते हो, like ball is in his court, ball is in your court, ball is in her court. तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, हाँ, तो ball in his or her court, whatever. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, हम बोल सकते हैं द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉय कर्टली ईदर एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन और लीव द बॉल इन योर कोर्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी इसको। द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉय कर्टली कि ईदर एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, या तो तुम एक्सेप्ट करो और लीव and the ball is in your court, मतलब कि आपका decision है, या आपको terms and condition accept करनी पड़ेंगी और you may leave the job, तो आपके ऊपर decision है कि आप क्या करना चाहते हो। Next idiom है sports पे जो I want to take, that is the still in the game. See, this phrase is used when someone is in a difficult situation but can make a comeback. कोई बहुत difficult team में है, problem में है, और मतलब but ऐसा टाइम, ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर कुछ सेटबैक, कुछ हाई एंड लोज आए भी हैं लाइफ में, तो चलता रहता है, एंड डेफिनेटली वन कैन मेक कम बैक। ठीक है, कम बैक मीन्स कि मतलब वापसी का रास्ता है। फॉर इंस्टेंस वी कैन से वी मे नॉट आउट ऑफ द क्राइसिस येट, बट दैट जस्ट मीन वी हैव टू वर्क हार्डर। नेक्स्ट ईडियम ऑन द स्पोर्ट्स, पैक अ पंच। दिस इज वेरी गुड ईडियम आई थिंक, एंड यू शुड यूज दिस ईडियम इन योर डेली लाइफ। सी, दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग एक्चुअली, एंड इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। पैक ऑफ पंच मतलब बॉक्सिंग से लिया गया है।
एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हिज टॉक पैक्ड अ पंच एंड एनथ्रल्ड द ऑडियंस, मतलब उसकी बातचीत ने मतलब इतना अच्छा इफेक्ट डाला कि एंड मतलब सरप्राइज कर दिया ऑडियंस को, एनथ्रल्ड द ऑडियंस. ओके, नेक्स्ट idiom दैट आई वॉन्ट टू टेक इज ऑन स्पॉट इज दैट होल न्यू बॉल गेम. इट इज़ वेरी गुड idiom. अगेन हम मोस्टली इसको रिटन पार्ट में ज़्यादा मुझे लगता है यूज़ करते हैं, नॉट इन द स्पोकन पार्ट. स्टिल आई वॉन्ट टू टेक दिस idiom. होल न्यू बॉल गेम. See, this term is used to depict something different or completely unheard of. कि मतलब कुछ सुना ही ना हो, बहुत ही different, unusual सा कुछ हो, है ना. तो उसके लिए हम whole new ball game हम use idiom करते हैं. For example, मैं example में बताना चाहूँगी, I come from sales background, so management is a whole new game for me. मतलब कि I come from a sales background. सो मैनेजमेंट की मैं एक सेल्स बैकग्राउंड से आई हूँ और मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ है. सपोज़ मैं अगर मैं बोलूँ, मैं अपने आप के लिए बोलूँ कि मैं एक मैनेजमेंट ग्राउंड से आई हूँ और मेरे लिए एक फ्रेंच मतलब टीच करना या फ्रेंच मतलब सिखाना इज़ अ होल न्यू गेम फॉर मी, तो कुछ बिल्कुल मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो जाए कुछ ऐसा, तो आप ये idiom यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट idiom आई वॉन्ट टू टेक दैट इज़ दी Jump the gun. That is the jump the gun. What cute sa hai, I think so. Generally, athlete begins in a race after a gun shot. Ye to sabko pata hi hoga ki athlete begins the race after the gun shot. And this phrase is used when someone start before the appropriate time or before the gun is fired. Matlab abhi click nahi hua hai, awaaz nahi aayi hai, and athlete has started the his race. तो बहुत इजी है और आप इसको मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा लर्न करने में, बिकॉज बहुत कॉमन सी, अगर इसकी हम इस तरीके से याद करेंगे, इसका मीनिंग याद करेंगे, आई थिंक idioms को लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. लेट मेक इट मोर क्लियर थ्रू दिस एग्जाम्पल. आई आस्क्ड हर टू मैरी मी जस्ट आफ्टर टू डेट्स एंड आई गेस आई मे हैव जम्प्ड द गन. ठीक है, अगर कोई बॉय कहता है आई आस्क्ड हर टू मैरी मी एंड जस्ट आफ्टर टू डेट, मतलब दो ही डेट के बाद मैंने उसको बोला कि मुझसे शादी कर लो, एंड फिर उसको लगा आई गेस आई मे हैव जंप द गन, मुझे बहुत जल्दी मैंने कर दिया जंप द गन, मतलब कि गन अभी टाइम नहीं आया था उसको प्रपोज करने का फॉर मैरिज. ओके, नेक्स्ट इज दी कीप योर आई ऑन द बॉल. कीप योर आई ऑन द बॉल आई थिंक बहुत ईजी है टू कीप योर आई ऑन द बॉल, अगर मैं ना भी बताऊँ आपको समझ आ रहा होगा. द फ्रेज यूज इन गेम्स लाइक द क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा, वेयर द फोकस ऑफ द गेम इज द बॉल. कि मतलब पूरे ग्राउंड में ऑडियंस हो, स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स, दे उनका सबका फोकस क्या रहता है, बॉल पे रहता है. देयरफॉर टू कीप योर आई ऑन द बॉल मीन्स टू स्टे अलर्ट एंड रेडी फॉर द एक्शन. तो अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ इस चीज़ का, the teacher saw the student looking distracted and yelled, if you want to do well in my class you should better keep your eye on the ball. That doesn't mean ki ball pe nazar rakhni in that case. If you want to do well in the class, but that means you have to focus on your studies. Okay, hopefully you have understood this idiom. Again, let's move to next idiom now. Photo finish. मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, व्हाट इज़ द फोटो फिनिश. सी, दिस इज़ यूज्ड कॉमनली इन स्पोर्ट्स लाइक रेसिंग. वी कैन से फोटो फिनिश इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन टू कंटेस्टेंट्स फिनिश द रेस एट द ऑलमोस्ट सेम टाइम. जब सेम टाइम पे दो कंटेस्टेंट है, मतलब बिल्कुल मतलब जहाँ कहते हैं टाई वाला टाइम आता है, तो वो जो रेस जहाँ पे एक पॉइंट पे फिनिश होती है, दैट इज़ दी फोटो फिनिश. वी कैन से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गॉज हु क्रॉस द लाइन फर्स्ट. या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हम थर्ड एम्पायर यूज़ करते हैं उसमें, तो फोटो फिनिश हम उस पर भी याद कर सकते हैं इसको. ये शॉर्ट जो था फोटो फिनिश था, कि मतलब दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गॉज हु क्रॉस द लाइन फर्स्ट. Therefore, this term originated from the practice of taking photo at the finish line. जब photos वगैरह का आया था time, तो finish line पे pictures ली जाती थी that who has crossed the line first. तो ये photo finish जो sports idiom है, वहाँ से हमारा originate हुआ है.
एंड इफ यू टॉक अबाउट दी, अगर हम इसका एक्चुअल एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेस बिटवीन स्नेहा एंड गरिमा वॉज सो क्लोज, द रेस बिटवीन स्नेहा एंड गरिमा वॉज सो क्लोज दैट इट वॉज डीम्ड अ फोटो फिनिश वेन विच रिक्वायर्ड एग्जामिनिंग अ पिक्चर ऑफ द टू रनर्स एज दे क्रॉस द फिनिश लाइन. कि मतलब इतनी ज़्यादा क्लोज थी एंड इट वॉज डीम्ड अ फोटो फिनिश्ड, मतलब फोटो फिनिश था कि विच रिक्वायर्ड एग्जामिनिंग अ पिक्चर ऑफ द टू रनर्स एज दे क्रॉस द फिनिश लाइन. होपफुली क्लियर है, बहुत अच्छा एडियम है. यू मे यूज़ अगर स्पोर्ट्स के, अगर आप मतलब फैन हैं, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, यू कैन यूज़ दिस एडियम अगेन. ओके, नेक्स्ट एडियम दैट आई वॉन्ट टू टेक दैट इज़ द क्विक ऑफ द मार्क. क्विक ऑफ द मार्क, सी दिस फ्रेज इज यूज फॉर समवन हु इज अलर्ट एंड हैज क्विक टू स्टार्ट और डू समथिंग. कि मतलब कि मतलब बहुत अलर्ट है, फोकस्ड है एंड देयरफॉर हेंस मतलब कैसे मतलब बहुत जल्दी मतलब बहुत क्विकली एंड ही वांट टू स्टार्ट और डू समथिंग. फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक द पुलिसमैन वर क्विक ऑफ द मार्क एंड अराइव्ड एट द सीन ऑफ क्राइम बेयरली 5 मिनट्स आफ्टर द फोन कॉल. कि मतलब इतनी जल्दी वो टाइम पे पहुंच गए. द पुलिसमैन वर क्विक ऑफ द मार्क एंड अराइव्ड एट द सीन ऑफ क्राइम बेयरली 5 minutes after the phone call. Our next idiom and the last idiom that I want to take on the sports, that is the sticky wicket. Sticky wicket. See, first of all, this phrase originated from the game of cricket and it is used to describe a tricky situation. Bahut hi tricky si situation hai. For example, we can say the minister found himself on a sticky wicket when asked about the rampant corruption. मतलब कुछ करप्शन के बारे में पूछा गया तो बहुत ही ट्रिकी से सिचुएशन में वो पड़ गए और मतलब ही वॉज मतलब फेल टू आंसर द सेम. होपफुली आपको idioms समझ में आए हैं. मैंने पीछे idiom on colors थ्रू shots में सारे लिए थे एंड अब मैंने ये idiom on जो हमारे स्पोर्ट्स लिए हैं आज. नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू टेक idiom on animals also. Beside these all these videos I am covering, please do suggest me what else I can cover. Do suggest me what kind of video, what else should I create in my videos. So happy learning, stay connected, and if you really like this video, please do not forget to give thumbs up and like, subscribe and share. Happy learning.